अगला क्वेश्चन आपका है कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है, उसी का दूसरा नाम है पूलिंग इंटरेस्ट मेथड, और दूसरा है कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज क्या होता है। तो ध्यान दो, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए 5 कंडीशन है, अगर पांचों को कंडीशन पूरी हो रही है तो वो आपका अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा, अगर कोई एक फॉल्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। 5 कंडीशन क्या है, पहली है कि शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट 90%, ध्यान दो कि ओल्ड कंपनी के कम से कम 90% एग्री हो, ठीक है, न्यू कंपनी के मेंबर बनने के लिए, और उनको जो पेमेंट दिया जाएगा इक्विटी शेयर में कुछ पॉइंट में बचेगा तो आप उसे कैश में दे सकते हो, और ऑल असेट और लाइबिलिटीज को लिया जाएगा, ठीक है, ओल्ड कंपनी के जितनी भी असेट और लाइबिलिटी सब कुछ लिया जाएगा, और ध्यान देना बुक वैल्यू पे लिया जाएगा, जो बैलेंस शीट में वैल्यू रहेगी उसी वैल्यू पे, और पांचवा है कि नई कंपनी सेम बिजनेस करेगी, यानी जो बिजनेस ओल्ड कंपनी का था वही बिजनेस न्यू कंपनी भी करेगी, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन पूरी है तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ